ठीक है, ये रहा आज के टॉपिक जो वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस चैप्टर को हम रेजिस्टेंस समझो कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी में 50% बातें रेजिस्टेंस के आसपास ही चलने वाली, रेजिस्टेंस के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के जब तक हमें वेरिएशन नहीं पता होगा तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो यहाँ पे शुरू होता है, सबसे पहली बात जो समझनी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई इस्तेमाल नहीं करते, वी अपॉन आई तभी इस्तेमाल करना हो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई दे रखा हो, करंट पासिंग दे रखा हो, अदरवाइज हर बॉडी की अपनी अपनी रेजिस्टेंस हो। अब ध्यान से सुनना है कि मिसकॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सबसे पहली बात हो रही है इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ लेंथ। तो आप ये कहोगे कि आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक है, आपकी बात एक्सेप्टेड है। आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा कब, जब एरिया की वैल्यू सेम होगी, जब एरिया की वैल्यू सेम होगी तो, ठीक है। अगर एरिया सेम नहीं होगा तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, ठीक है, फिर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा होता है बेटा इफेक्ट ऑफ एरिया, इफेक्ट ऑफ एरिया यहां भी जब हम बात करेंगे वो होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब लेंथ की वैल्यू सेम दे रखा हो, ये इसका मतलब। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो जो लिखा गया है, देखिए इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ लेंथ यही से स्टार्ट किया सर। आर प्रोपोर्शनल टू एल ये तभी हो सकता है जब एरिया की वैल्यू सेम हो, यानी कि अगर एरिया सेम है तो आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने लेंथ को एल टू इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल वन कर दिया तो R2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा n L1 upon L1, इससे कैंसिल और R2 की वैल्यू n R1 के इक्वल, मतलब लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, कंडीशन है जब एरिया सेम दे रखा हो। अब एग्जांपल इसका कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन में यहां देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ एल था, रेजिस्टेंस आर था, और हमने इस वायर से देखो क्या किया, ट्रायंगल बनाया, और फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बताओ इसके हर साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहोगे अच्छा सर लेंथ इसका एल था, जैसे इसको तीन पार्ट में बांटेंगे इक्वली एल बाय थ्री, एल बाय थ्री हो जाएगा, लेंथ वन बाय थ्री। लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट करने से पहले ये चेक करना होगा कि उसका एरिया सेम है कि नहीं। तो जब हम किसी वायर को बेंड करते हैं बेटा तो उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से चेंज जाएगी, आर बाय थ्री, आर बाय थ्री, और ये हो जाएगा आर बाय। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये इसी को हमने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बनाते ही एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर, तो रेजिस्टेंस भी आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर और आर बाई फोर ऐसे चेंज। अब वो आपकी मर्जी, क्योंकि अगर एरिया सेम है तो जैसे जैसे लेंथ को आप चेंज करोगे वैसे वैसे चेंज होगा। यहां देखो अगर इसको हम सर्कल बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, हमने इसे सर्कल बना दिया और सर्कल के हमने दो पॉइंट मार्क कर दिए यहां से, यहां ये इसका सेंटर से लेकर के, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका एंगल थीटा है, टोटल लेंथ आपको L है, तो L1 निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल लेंथ, मतलब R1 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल R, हम सीधा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जांपल है कि R प्रोपोर्शनल टू L कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जब एरिया सेम दे रखा हो तब, उसके लिए कंडीशन, ठीक है ना। चलो नोट कीजिए इसको,
बेस क्वेश्चन को देखो कैसे गेम कर। एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 36 ओम। अब हमें क्या करना है, हमने इसको बेंड करके, ठीक है ना, एग्जांपल देखो बेटा, सेकंड दूसरी बार हमने इसको बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। मैंने कहा ना लेंथ l बाय थ्री l बाय थ्री l बाय थ्री, तो रेजिस्टेंस क्या लिखा था, r बाय थ्री r बाय थ्री r बाय थ्री, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसको हम यहां पे स्क्वायर बना लें, स्क्वायर साइन l बाय फोर हो गया, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 36/4, मतलब 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। इसी को हम बेंड करके अगर सर्कल बना लेते और एक पॉइंट आर्क मेजर कट करते यहां से जिसका एंगल कुछ दे रखा होता है, से 60 डिग्री, तो अभी आपने लिखा था आर वन इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो लिखा था आपने थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल आर, मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 36, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6 ओम, और फिर ये 6 है मतलब R1 की वैल्यू 6, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 6, मतलब 30। ऐसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़े, ठीक है ना, ये इसका मतलब, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको। अब केस टू ये है कि अगर एरिया की वैल्यू सेम ना दे रखा हो, अब सबसे पहली बात होती कि कब ऐसा होगा, कब एरिया सेम नहीं दे रखा हो, उसके बारे में। तो ये तब होता है जैसे हम बात करेंगे इन केस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, ये केस हो सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब होता है कि हम अगर किसी वायर को पकड़ के खींच दें, जैसे खींचेंगे ना उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ अगर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। तो ऐसे केस में जब ये नहीं होगा तो देखो फिर R प्रोपोर्शनल टू L आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने क्रॉस लगा दिया, ये नहीं यूज होगा, क्योंकि ऐसे केस में एरिया की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, अगर एरिया सेम नहीं है तो R प्रोपोर्शनल टू L अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैकेनिकल स्ट्रेन में वॉल्यूम की वैल्यू सेम होती है, मतलब एरिया इंटू लेंथ की वैल्यू सेम होती है, लेंथ बढ़ेगा एरिया घटेगा एट वाइस वर्सा, ठीक है। तो फिर फॉर्मूले को दोबारा सोचना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और हम यहां पे बात करेंगे ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई, L से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन डी। तो अगर एरिया सेम नहीं दे रखा होगा तो वॉल्यूम सेम दे रखा होगा, और अगर वॉल्यूम सेम है, देखो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब वॉल्यूम की वैल्यू सेम दे रखी हो, यानी कि इफेक्ट ऑफ लेंथ को दो तरीके से कंसिडर करना है, पहला जब एरिया सेम दे रखा हो, दूसरा जब वॉल्यूम सेम दे रखा हो, वो क्वेश्चन देख करके डिसाइड होगा। ऐसे कंडीशन में अब वो सारी बातें बदल जाएंगी जो पीछे हमने सीखा था, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे R2 अपॉन R1 की वैल्यू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहां पे जो बात होगी ऐसे कंडीशन में, अगर L2 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ L1 है, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू N L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, कैंसिल कर दो, R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। तो यहां से दो बातें संभालनी है, अगर कोई आपसे कहता है कि किसी वायर की लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये ना हो कि आप सीधा मुंह खोल के बोल दे डबल, बिल्कुल नहीं, आप रुके और फिर इसे दूसरा क्वेश्चन पूछें कि भाई एरिया सेम है या नहीं, उसने कहा एरिया सेम है तो ठीक है डबल हो, देखो उसने कहा नहीं जी एरिया सेम नहीं है तो वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब वैसे केस में एन स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। नीट का सबसे हॉट थॉट क्वेश्चन माना जाता है इसको, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, कई बार मतलब कम से कम 10 से 15 बार ऐसे क्वेश्चन यहां से पकड़ते हैं, ध्यान रखेंगे इसको।
नोट कीजिए, फिर दोनों को मैं एक साथ कंपाइल कर दूं। क्वेश्चन क्या है यहां देखो बेटा, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस बाय 70% बाय स्ट्रेचिंग, खींच करके उसको बढ़ा दिया ना स्ट्रेचिंग, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ऑप्शन मैं तुझे दे दे रहा हूं, पहला 70%, दूसरा 140%, तीसरा 184%, 84%, चौथा 189%। यह ऑप्शन है तुम्हारे पास जो तुम्हें कैलकुलेट करना। तो सोचने के लिए देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पता चलेगा कि हाँ यहां पे एरिया की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब वॉल्यूम सेम है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू सेम है इसीलिए आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मतलब आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करना है, बट पहले देखा जाए इसको, पहले बेसिक समझा जाए। अब आपने कहा पहले लेंथ एल था, अब आपने लेंथ को 70% बढ़ा दिया इनटू एल, तो ये हो जाएगा 1.7L। इंक्रीज का यही मतलब होता है कि आपने इसको इंक्रीज किया था, ये हो गई एल की वैल्यू का। हम यहां पे लिखेंगे इसका मतलब हो गया आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू 1.7L1 अपॉन L1, या ये L और ये L है, इसे कैंसिल हो गया होल स्क्वायर। आर टू की वैल्यू हो गई 1.7 का स्क्वायर, मतलब 2.89। आर टू इज इक्वल टू हो गया 2.89 इंटू आर वन। कई बार तो यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको ध्यान रखें, लेकिन चूंकि इसमें आगे था परसेंटेज चेंज निकाल, परसेंटेज चेंज चेंज इन आर, फॉर्मूला हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू 100। इसको लिखेंगे 2.89 आर वन माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1.89 आर वन अपॉन आर वन इंटू 100, और फिर इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 189%। ठीक है, अब कई बार मिस कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में आता है कि सर परसेंटेज 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है। बेटा ये चेंज है, चेंज 100 से ज्यादा क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी बच्चे का पहले टेस्ट में 5 नंबर आया, दूसरे में 15 है, तो उसमें जो ग्रोथ है वो 200% का हुआ ना, तो परसेंटेज शुड बी मोर देन 100, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस की बात हो, ठीक है ना, टोटल का परसेंटेज नहीं निकाला। ये है इसका क्वेश्चन को देखने का तरीका। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको कोशिश करना है कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व हो। अगेन आई रिपीट, मैक्सिमम 10 सेकंड। हाउ, इधर देखो, ये कॉन्सेप्ट इट्स नॉट अ ट्रिक एट ऑल। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को देखो, जब आप कॉन्सेप्ट को ट्रिक कहते तो आप उसका मजाक बनाते। कॉन्सेप्ट हमने सीखा यहां पर, देखो नोट करके इसको लिखेंगे। पहला, अगर ये है इफेक्ट ऑफ लेंथ, हम कैसे इसको याद रखें, तो सबसे पहले ये केस वन, अगर एरिया की वैल्यू सेम है तो अच्छी बात है, अगर एरिया सेम है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन। इफ लेंथ चेंजेस एन टाइम्स, मतलब अगर L2 is equal to N times of L1, then जो resistance होगा R2 upon R1 is equal to N L1 upon L1, इससे cancel हो गया, ये हो गया N, और R2 को लिखेंगे N times of R1, तो फिर हम यहां पे लिखेंगे then resistance changes,
रेजिस्टेंस चेंजेस और इसको लिखेंगे एन टाइम्स। भाई अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो गया। और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन आर, ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू हंड्रेड। आर टू को लिख दो एन, आर वन कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस वन इंटू हंड्रेड। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन आर। अगर आप मुझसे कहेंगे तो इस बोर्ड पे जो लिखा है पहले हाफ में उसमें सिर्फ तीन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या, पहला आपने कहा इफ लेंथ चेंजेस एन टाइम्स, ये एक लाइन। फिर आपने कहा रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस एन टाइम्स, दूसरी लाइन। और फिर तीसरा हो गया परसेंटेज चेंज, यही काम की चीज है अगर एरिया सेम रखा हो तो। ये कंडीशन। अब दूसरे सेक्शन यहां देखो, अब मैं बात कर रहा हूं अगर एरिया सेम नहीं दे रखा है, केस टू, केस टू, अगर एरिया की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करें। तो ऐसे कंडीशन में अगर सेम नहीं है तो वॉल्यूम की वैल्यू सेम होगा बेटा, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन। और यहां पे आर जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या लिख पाए, एल स्क्वायर। मतलब R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 का होल स्क्वायर। अब यहां भी वही बात, इफ लेंथ चेंजेस, चेंजेस n टाइम्स, अगर हमने लेंथ को n टाइम चेंज कर दिया, मतलब L2 is equal to, that is L2 is equal to n टाइम्स ऑफ L1, तो हमारे लिए क्रूशियल यही कि हम n निकाल। ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे दैट जो रेजिस्टेंस हो R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 का होल स्क्वायर एंड L1 upon L1 का होल स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया n स्क्वायर, मतलब R2 is equal to n स्क्वायर R1। तो हम याद रखेंगे फिर रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस चेंजेस ये हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स इसका यूनिट। फिर परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये होता है आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू हंड्रेड। ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर वन माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू हंड्रेड। और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड। ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। मैंने कहा ना यहां भी सिर्फ तीन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला लेंथ, सबसे बड़ी गलती यही पे होती है कि हम लेंथ को कैसे पहचान, इंक्रीज का मतलब प्लस करना होता है, डिक्रीज माइनस, इनिशियल में चेंज होता है, एन निकालने में स्मार्टेस्ट चेंज होता, फिर उसके बाद दूसरी लाइन ये नहीं मिला एन अगर निकल गया तो, और फिर तीसरा लाइन ये है, बस इसी में सारे क्वेश्चन का। अब देखो मैंने क्यों कहा कि ऐसे क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ये मजाक थोड़ी था। यहां पे लिख रहा हूं इतनी जगह काफी उस क्वेश्चन को दोबारा देखने के लिए, दोबारा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। आपने कहा एक वायर की लेंथ को 70% इंक्रीज किया गया, L2 is equal to L1 plus 70 upon 100 into L1, ये हो गया 1.7। बस ये हो गई हमारी n की वैल्यू, इतना ही कोशिश करना था हमें, निकालना था परसेंटेज चेंज। जैसे n निकल गया ना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, हाँ मैंने कहा हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि लेंथ की वैल्यू को 70% इंक्रीज किया, तो कैसे निकालेंगे, L1 में 70% ऐड कर दो, ये रहा L2 is equal to L1 plus 70 upon 100 into L1, ये हो जाएगा 1.7 L1। बस ये n निकल गया जो हमें चाहिए, तो सिर्फ n निकालने में कलाकारी। उसके बाद से हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस R, तो इसका फॉर्मूला नीचे से लिखवा,
एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड, सीधा यहां पे लिखो 1.7 का स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड, ये होता है 2.89 माइनस वन इंटू हंड्रेड, ये हो जाएगा 189%। बस ये हो गया आंसर। अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को यहां से रीड कर सकते हैं, चाहे कितना भी परसेंटेज दे रखा हो, बस एक स्क्वायर याद होना चाहिए और दूसरा एन निकालने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। सोचो अगर यही क्वेश्चन होता दिया कि हमने लेंथ को 50% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 50%, तो एन की वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेट करते, ये 1.5 आता, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आता, माइनस 1 करते 1.25 आता, इंटू 100 करते 125% आता। इस फॉर्मूले की खासियत ये है, चूंकि ये ट्रिक नहीं है, ये इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों के लिए काम करेगा। अगर कहीं पे लेंथ घटाओगे तो भी काम करेगा, बढ़ाओगे तो भी काम करेगा, वो सब के लिए पूरी कंडीशन यहाँ पे यूज की जा सकती है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल आपको डिक्रीजिंग से बताता हूँ। जाते हैं या जब भी हम एन कैलकुलेट करने जाएंगे तो एन कैलकुलेट करते वक्त दो वर्ड का ध्यान रखना होता है। एक होता है नोट करके इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक वर्ड होता है टू और दूसरा होता है बाई या फिर थ्रू, ये दो वर्ड। टू का मतलब होता है फाइनल वैल्यू दे रखी है और इसका मतलब है चेंज दे रखा है, ये दो वर्ड है जो सबसे खतरनाक हैं, ये ध्यान रखना है, सबसे खतरनाक, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे जब भी आप एन की वैल्यू कैलकुलेट। इस टू और थ्रू को समझने के लिए एक एक करके एक एक एग्जांपल देखा जाए। जैसे ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस, is increases by stretching to 100% to 200%। ये रहा क्वेश्चन, हमने एक वायर की लेंथ को खींच करके 200% तक बढ़ा दिया, टू मतलब तक, या अप टू कह सकते हैं, टू होगा या अप टू होगा। तो याद रखो इस टू से क्या हमें पता चला, ये फाइनल वैल्यू दे रखी है, यहां मतलब L2 की वैल्यू दे रखी है 200% ऑफ L1, ये इससे कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ L1, ये आपकी L2 की वैल्यू, यानी कि L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1। अब देखो हमारे पास क्या था, R2 अपॉन R1 की वैल्यू को L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, मतलब ये हो गया यहां पे कि हम ये कह सकते हैं R2 इसको लिखेंगे 2L1 upon L1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे R2 is equal to 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ R2। तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए इन R, तो ये हो जाएगा R2 minus R1 upon R1 into 100, ये हो जाएगा 4R1 माइनस R1 इंटू 100 और इसको लिखेंगे 300%। इस क्वेश्चन में ये ऐसे है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे, देखो एक वर्ड क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से चेंज करता है। इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस बाय 200% by stretching, find the percentage change of R। पहले final 4 times है, percentage 300 आ गया। इधर देखो क्या, यहां पे हम कहेंगे कि ये change दे रखा है, ये जो wall है ना यही measure करेगा, जो 200% के पहले 2 था इस portion में by, बाई का मतलब ये दे रखा है ना कि ये इसका चेंज है, मतलब L2 is equal to L1 plus 200 upon 100 into L1,
सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा 3L। अब R2 अपॉन R1 को लिखेंगे L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ये होता है 3L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया 9, मतलब R2 की वैल्यू 9 टाइम्स हो गया। देखो फाइनल वैल्यू में भी चेंज आया, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन जब हम R कैलकुलेट करने बैठेंगे, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये हो जाएगा 9R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, और ये हो जाएगा 800%। 9R1 से माइनस करो, 8R1 अपॉन R1 कैंसिल होगा इसके वैल्यू। तो देखो एक वर्ड, सारे क्वेश्चन सेम थे, बस एक वर्ड है टू और बाई, ये इतना फर्क डाल सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये करेंगे क्या, हमें कैसे इसको सॉल्व करें। अब ऐसे क्वेश्चन में ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपके सब जाने के, लेकिन क्योंकि आपके पास तो डायरेक्टली परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, जैसे एन आ जाए ना सीधे रखो उसको एन, या एन आ गया यहाँ पे सीधे इसको रखो एन स्क्वायर माइनस वन इंटू 100, 9 माइनस 1 इंटू 100, 8 इंटू 100 800%, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वरना आप एग्जाम में सीधे ऐसे सोचेंगे कि जैसे एन आ गया हम सीधे इस एन पे पहुंच सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 से इसके बाद। तो ये था दो वर्ड कैसे मैटर करता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ ए, उसको कैसे डील करना है उसको देखा है। इफेक्ट ऑफ एरिया इसकी बात हम कर रहे हैं इस सेक्शन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जरूरी नहीं है कि लेंथ की वैल्यू सेम रहे, याद है R is equal to rho L by E। पहला केस, अगर लेंथ की वैल्यू सेम दे रखी है तो ठीक है, R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, मतलब R1 अपॉन R2 अपॉन R1 की वैल्यू जो होगी R2 अपॉन R1 को लिखेंगे A1 अपॉन A2, ये रह सकते। और अगर A2 की वैल्यू पता है n टाइम्स ऑफ A1 है, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1, n इंटू A1 इससे कैंसिल हो जाएगा और R2 की वैल्यू R1 अपॉन n। तो देखो अगर एरिया को कहीं पे डबल किया ना तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा उसका, रेसिप्रोकल बाय n टाइम्स, ठीक है ना, ऐसे चेंज करें। अब कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी होता है, रेडियस और थिकनेस के टर्म में बात की जाती है। तो ऐसे केस में हो जाएगा R इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे रो L अपॉन यहां पे पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे यहां पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं R2 अपॉन R1 को स्मॉल R1 स्मॉल का होल स्क्वायर या D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन लिखी जा सकती है, ये बात हो सकती है, लेकिन तभी इस्तेमाल करना है जब यहां लिखा है L की वैल्यू सेम। अगर L की वैल्यू सेम नहीं है तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां देखो केस टू, अगर L की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या होगा फिर, यानी कि ये मैकेनिकल स्ट्रेन का केस होगा, इसमें हमें वॉल्यूम की वैल्यू को सेम रखना होगा, इसका मतलब वॉल्यूम की वैल्यू सेम होगी, फिर इस फॉर्मूले को ठीक करना पड़ेगा। रिया सामने ध्यान लगाओ, L बाई A ऊपर नीचे जो है बेटा A से मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा R जो है इज इक्वल टू रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम सेम है इफ वी इज इक्वल टू सेम तो हम कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अलर्ट रहेंगे इस पे, ऐसे कंडीशन में हमें लिखना होगा R2 अपॉन R1 को A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। अब आपको अच्छे से मालूम है कि अगर A2 की वैल्यू को n टाइम्स ऑफ A1 किया तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू को A1 n टाइम्स ऑफ A1 का होल स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन n स्क्वायर।
ये एरिया का इंपैक्ट। अब आप एरिया को तो पाई आर स्क्वायर से भी लिख सकते हो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में एरिया जो होता है वो थिकनेस और रेडियस के टर्म में मेंशन की जाती है। तो अगर एरिया की वैल्यू, एरिया अगर हमारे पास पता है कि पाई आर स्क्वायर है या पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर है, तो हम इस आर को लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर फोर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर फोर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर टू अपॉन आर वन वो हो जाएगा स्मॉल आर वन अपॉन स्मॉल आर टू की पावर फोर या डी वन अपॉन डी टू की पावर फोर। यही चीज तो आपको संभाल के रखनी है, रेजिस्टेंस के फोर्थ पावर, रेजिस्टेंस रेडियस के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है और स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ये सिर्फ इस बात से डिसाइड होगा कि एरिया सेम है या वॉल्यूम सेम है, इससे हम बात करें, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखो, फिर दो लाइन में इसको मैं कंपाइल कर दूं, ठीक है ना। चलो नोट कर सो, देखा जाए समरी में क्या होगा। देख पहला है इफेक्ट ऑफ लेंथ इफ वॉल्यूम नॉट सेम, इसकी बात चल रही। या पहले हम बेटा L, हम पहले एक बात करते हैं, अगर L की वैल्यू सेम है तो हम कैसे इसको देखेंगे। अगर लेंथ सेम है या इसको वॉल्यूम से कंपेयर करो, अगर वॉल्यूम सेम नहीं है मतलब लेंथ और एरिया वो बेटा वैरी कर रहा है, ऐसे कंडीशन में R2 अपॉन R1 को लिखेंगे L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर और d1 अपॉन d2 का पावर 2। ये होगा वेरिएशन ऑफ r का फॉर्मूला। और अगर केस 2 है बेटा, इफ वॉल्यूम सेम है तो कहानी बदल जाएगी, फिर इसको लिखेंगे r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू l2 अपॉन l1 का होल स्क्वायर, a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 की पावर 4 और ये हो जाएगा d1 अपॉन d2 की पावर। ये है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के केस को यूज करने का तरीका, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर हमने किसी वायर के लेंथ को खींच दिया तो ये कंडीशन काम करेगा जिससे हम बात कर सकते हैं। पूरी जो चीज हमने सीखी उसको मैंने एक लाइन में कंपाइल कर दिया ताकि इसको जाने सीधा नोट कर ले इसको बेटा, ठीक है ना। देख लो इसको बेसिस पे देखा जा सकता है, उसको देखा जाए। यानी क्वेश्चन ये है इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स थिकनेस जो है इज डिक्रीजेस बाय 25%। हमने एक वायर को खींचा ताकि उसकी थिकनेस 25% कम जाए, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा ये बता, फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इफ आर जो है उसका इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल रेजिस्टेंस का तो बताना है फाइनल क्या होगा। ऑप्शन हो सकता है पहला आर फाइनल की वैल्यू 16/9 आर है इनिशियल, दूसरा हो सकता है आर फाइनल इज इक्वल टू 9/16 आर, तीसरा हो सकता है बेटा आर फाइनल की वैल्यू 256/81 इंटू आर, और चौथा ऑप्शन हो सकता है आर फाइनल इज इक्वल टू 81/256 आर। ये आपके पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को किया जाए फिर मुझे बताया जाए इसका आंसर क्या है। हमने ये कहा कि सबसे पहले यहां पे देखो थिकनेस मतलब डायमीटर, d2 की वैल्यू d1 से कम कर दिया गया, कितना भाई 25% ऑफ d1, मतलब ये हो गया 3d1/4। ये हमारे पास d2 की वैल्यू है। और फिर आपको मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट लिख रखा था कि कैसे कब कहां पे इस्तेमाल करें। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4 होता है, क्यों भाई, क्योंकि आपने स्ट्रेच किया है
और जब भी आप स्ट्रेच करते हैं वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है बेटा वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अब हमें पता है कि R2 अपॉन R1 जो है वो D1 अपॉन D2 की पावर 4 है, रख दो इसको। अब यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये D1 है, ये 3D1 by 4 की पावर 4 है, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4 by 3 की पावर 4, इसको लिखेंगे 256 अपॉन 81 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 256 अपॉन 81 इंटू R1, जी रहा, ठीक है। और फिर इसका आंसर सी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।